राजधानी दिल्ली सहित देश भर में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर इलेक्ट्रिक बाइक भी एक नए अंदाज में अपना लुक बनाए हुए है। हम मौजूद हैं बख्तियारपुर में, और बख्तियारपुर में आरव ई बाइक के नाम से एक शोरूम है, वो इस नरेला विधानसभा में जो है शुरू किया गया है। आपको बता दें, तीन तरह की जो वैरायटियां हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, जिनकी कॉस्ट जो है वो बजट में है लोगों के, और जो क्षमता है इसकी चलने की 60 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर से अधिक जो किलोमीटर्स हैं उसमें चलती हैं। और जो मॉडल्स हैं वो एक बार आपको दिखा दूं, कई तरह के जो मॉडल हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तीन तरह की कंपनियाँ हैं, तीन तरह की कंपनियों के जो मॉडल हैं वो आपको यहाँ दिखाएंगे हम। कलर्स जो हैं, कलर्स भी मनचाहे आपको मिलेंगे, क्योंकि अगर जो आप अपना मनचाहा कलर लेना चाहते हैं तो अपना मनचाहा कलर भी ले सकते हैं। लुक वाइज देखी जाए तो लुकिंग जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी है। स्कूटीज जो हैं वो आप देख रहे हैं, जो लुक है वो कहीं ना कहीं लुभाती हैं आपके मन को। एक इधर भी दूसरी तरफ जो है वो भी दिखा दें आपको, कि जो लुकिंग जो है वो कितनी उम्दा कंपनी है वो दिखाई जा रही है। जो लुक है वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा शॉप दिखाता है, कि आप जब चलेंगे सड़क पर तो किस तरह का लुक जो है वो आपका लगेगा। राजधानी दिल्ली में जहां लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अपना रुख लगातार बनाए हुए लोगों की तरफ। जो लुक हैं वो फिर से देख लीजिए, कलर्स जो हैं वो आपके सामने हैं। और अगर जो आप नरेला विधानसभा में रहते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं तो आप बख्तियारपुर ज़रूर आइए, और बख्तियारपुर सुभाष चौक से पहले ही आरव ई बाइक जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो मौजूद हैं भाई, जिनका ये शोरूम है, बात करेंगे किस किस तरह के जो लुक्स हैं, प्राइस हैं, और किलोमीटर्स जो हैं वो किस तरह से हैं। अपना परिचय दीजिए, नाम दे। मेरा नाम मनीत है सर। मनीत जी, जो आपके रेड कलर की स्कूटी है इसका क्या प्राइस है, और कितने किलोमीटर है, क्या गारंटी और क्या वारंटी है? सर, इसमें क्या नाम है, दो तरह की स्कूटी आती हैं, एक लेड एसिड में और एक लिथियम में। ठीक है, लेड एसिड की बैटरी जो होती है वो 1 साल की वारंटी होती है, और लिथियम की होती है 3 साल की। मोटर की होती है इसकी 18 महीने की वारंटी जी। ठीक है सर, और जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें स्कूटी चलती है 60 से 70 किलोमीटर, और अपने ऊपर भी होता है चलाने के ऊपर। जैसे इसमें मोड होते हैं, 3 मोड होते हैं, अगर आप 30 की स्पीड पर चला रहे हो, कंटिन्यूस चल रहे हो, तो ये 80-85 तक भी जाती है। क्योंकि जो हमारे कस्टमर फीडबैक आया है वो सब यही बोल रहे हैं कि हमारी 80-85 चल रही है। और जो लिथियम बैटरी है उसमें ये चलती है 90+ में जी, लिथियम बैटरी में, उसकी वारंटी होती है 3 साल जी। जी सर, जो और स्कूटियाँ खड़ी हैं इनका क्या है, कितना प्राइस है इनका, और इस जो स्कूटी की बात कर रहे थे हम, इसका कितना प्राइस रखा है? सर, ये स्कूटी लेड एसिड में है जी 70,000 रुपये, और लिथियम में है जी ये 85,000 रुपये। और दूसरी जो स्कूटियाँ आपके पास खड़ी है, कौन सी कंपनी है? हमारे पास 3 कंपनी है जी, GT Force, JP मशीनरी और ओकिनावा। जल्दी हम एक कंपनी और लाने वाले हैं। वर्किंग जो है, चार्जिंग जो है कितने टाइम में होती है, और उस चार्जिंग में कितनी यूनिट बिजली लेती है? बिजली यूनिट तो सर 1 से 2 यूनिट ही लेती है 1 चार्ज पे। अच्छा जी सर, एक बार चार्जिंग पे कितना किलोमीटर जाएगी? एक चार्ज पे ये 60 से 60 किलोमीटर लेड एसिड में जाती है, और लिथियम में जाती है जी 90+ में। कितने कस्टमर्स आते हैं दिन भर में आपके पास? दिन में सर, क्योंकि पेट्रोल के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं सर, दिन में कम से कम 10-15 इंक्वायरी होती है हमारी, और हमारा एक शोरूम बोराडी में भी है, गवर्नमेंट स्कूल के सामने, आरवी बाइक्स के नाम से ही, वहाँ पे भी हमारी इंक्वायरी 10 से 15 इंक्वायरी होती है रोज की। क्या सजेशन रहेगा लोगों का, क्योंकि बढ़ रहे हैं पेट्रोल के दाम लगातार, जो वजन की बात की जाए तो कितना वजन जो है वो उठा पाती है? वजन इसमें सर 2 आदमी आराम से बैठ के चल सकते हैं, बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं होती है। और 150 किलो वजन कंपनी बोलती है, लेकिन मतलब ऊपर तक जाते कोई ऐसी बात नहीं, कंपनी 150 किलोमीटर बोलती है। जैसे कुछ कंपनियों ने बताया था कि जो टायर है वो एक बार कंपनी रिपेयर करके बदल के देगी, या फिर जो मोटर्स हैं उनमें।
हाँ सर, कोई भी अगर फॉल्ट होता है अंडर वारंटी तो क्या नाम है, वो सब हम करके देते हैं। कितना टाइम लगता है उसमें? मैक्सिमम 1-2 दिन, अगर मेजर फॉल्ट है तो ज़्यादा दिन लगते हैं, छोटा मोटा फॉल्ट होता है तो हम साथ के साथ ही करवा देते हैं। वही एक जो ये बाइक है उसका एक हाईफाई मॉडल जो आया है वो मनीष से बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स है इसमें और प्राइस क्या है इसका? ये सर 95,000 का है ऑन रोड। इसमें फीचर्स के नाम है 12 इंचेस का टायर है, लिथियम बैटरी है, 3 से 4 घंटे तक ये चार्ज हो जाती है। अच्छा। और 110 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, लेकिन कस्टमर रिव्यूज़ ज़्यादा ही आए हैं जी। और इसमें सब्सिडी भी मिलती है। कितनी सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से? 9,500 रुपये की सब्सिडी मिलती है इसमें। तो आपको जो देख आप जो कैमरे पर देख रहे हैं, इसका नाम जो है, ये स्कूटी है, इसका नाम जो है GT1 लोडर है, और GT1 प्रो लोडर के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। कम से कम 200 किलो जो वजन है वो ये उठा सकती है। चार्जिंग जो क्षमता है इसकी वही 3 से 4 घंटे में ये फुल चार्ज होती है। उसके बाद करीब कितने किलोमीटर चल जाती है? 80 किलोमीटर तक चल जाती है जी। 80 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी चलने की क्षमता है। अगर जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का शौक है और आप पेट्रोल और डीजल के दामों से तंग हैं तो आप बख्तियारपुर सुभाष चौक के पास आरव ई बाइक के शोरूम पर आ सकते हैं। आपको इंस्टॉलमेंट पे भी यहाँ से जो टू व्हीलर्स हैं वो मिल सकते हैं। जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी जेब को देख कर रखी जाएगी। हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी। अगर जो आप लेना चाहते हैं ई बाइक तो आइए आरव मोटर्स बख्तियारपुर।